सनुईदुहा सीरतहल उला, ए मूसा वापस उसी कंडीशन में ले आऊंगा, लाठी बन जाएगी, घबराने की जरूरत नहीं है। कितनी तसल्लियां, इसलिए कि बशर है, इंसान है भाई, इंसान है, डर लगता है सांप से, और अल्लाह के कहने पे भी सांप पकड़ना आसान नहीं है। अगर अल्लाह हमको बकरीद में कुर्बानी का जानवर जबा करने के बजाय ये कहता कि बैल को टक्कर मारो कुछ नहीं होगा तुम्हें, सांप पकड़ो कुछ नहीं होगा तुम्हें, छिपकलियों को पकड़ो कुछ भी नहीं होगा, कुर्बानी होती फिर भी कोई नहीं पकड़ता। डर लगता है, इंसानी फितरत है। हदीस में आता है कि पिछली उम्मतों में जो एक जब एक बादशाह ने खंदकें बनाई ना, सूरह बुरूज में भी वाकया है, तो वो आग जलाई उसने, और जितने जो ईमान नहीं लेकर आ रहे थे बादशाह पर, सबको खंदकों में आग में फेंका है। तो एक औरत की जब बारी आई ना, तो वो डर रही थी बेचारी, आग में छलांग लगाते हुए उसको खौफ पैदा हो रहा था, थी बड़े ईमान वाली कि तैयार हूँ लेकिन डर लग रहा है। तो बच्चे ने माँ की गोद में बोला कि ऐ माँ डर नहीं, ये जन्नत का बाग है, ये आग नहीं है। फिर उसने छलांग लगा दी, तो वो ईमान वाली थी, इसके बावजूद उसके खौफ को अल्लाह ने कैसे ख़त्म कर दिया। एक बच्चे को माँ की गोद में अल्लाह ने कुव्वत-ए-गोयाई दी है, तो ये सब नेचुरल है।